नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसमें जो है कंपनियों का मेला लगा हुआ है, और सिर्फ भारतवर्ष की कंपनियां ही नहीं बल्कि अन्य जो देश हैं वहां से भी कंपनियों का यहां पर जो है मेला और ठेला दोनों लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इस समय चल रहा है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति 2023। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और यह जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम जो है 10 फरवरी से 12 फरवरी तक चला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर बहुत सारी कंपनियां जो है आई हुई हैं। लगभग बताया जा रहा है 13,000 से अधिक जो है यहां पर कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश में आई हुई हैं। और वहीं पर उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि लगभग 16 अन्य कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सब जो है यहाँ पर आए हुए थे, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन तमाम लोगों के साथ जो है बातचीत किया। बातचीत करने के बाद से तमाम लोगों से मिले जुले भी हैं, और वहीं पर यह सहानुभूति लोगों से जताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तरफ सबकी निगाहें होंगी, और उत्तर प्रदेश एक अग्रिम राज्य के रूप में जो है देखा जाएगा, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पर लगभग 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी होंगे, जो कहीं कहीं यह एक काफ़ी जो है रोज़गार के लिए जो है फायदेमंद होगा। वहीं पर प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रंट कॉरिडोर जो राज्य को महाराष्ट्र से जुड़ेगा, और इसके जुड़ जाने से कहीं कहीं उत्तर प्रदेश को जो है बंदरगाह के रूप में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने होंगे उसमें जो है काफ़ी इसमें मददगार होगा। और आप सभी लोग जानते हैं सबसे जो है सस्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो है बंदरगाहों का जो और जो जली मार्ग है उससे जो है काफ़ी जो है सस्ता पड़ता है। इसमें जो है काफ़ी जो है देख पा रहे हैं आप जो है यहाँ पर इसको अग्रिम पंक्तियों में रखा गया है। अब आपको बताते चलें यहाँ पर लगभग कितनी कंपनियाँ हैं और कितने लोगों को जो है इससे रोज़गार मिल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी, और उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष की बेरोज़गारी एक अहम जो है पंक्तियों में रहा है, प्रथम पंक्तियों में रहा है बेरोज़गारी मुद्दा, लेकिन अभी तक इसकी कोई समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है यहाँ पर लगभग 13,000 से अधिक जो है कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसमें 1,81,44,558 जो है यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को जो है यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। कहीं कहीं बड़ा जो है कह सकते हैं रोजगार देने का जो यहाँ पर अवसर है खुल गया है। हालांकि अभी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें जो है बातचीत चल रही है, अभी तो देखिए कब तक इसका जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, अभी इसके बारे में कुछ हम और कह नहीं सकते हैं। वहीं पर काफ़ी जो विवादों में था और जो है कह सकते हैं सुर्खियों में था लुलु मॉल जो लखनऊ में है, आप सभी लोग जानते हैं यूसुफ अली इसके फाउंडर हैं, जो काफ़ी जो है यहाँ पर योगी जी उसको जो है उद्घाटन करने गए थे तो वहाँ पर काफ़ी जो है विवाद हुआ था। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है लुलू मॉल के मालिक भी पहुँचे थे जब नरेंद्र मोदी जी अपना लोगों को जब संबोधित कर लिए, तो उसके बाद से जो है तमाम लोगों से जो है मिल जुल रहे थे, तभी जो है लुलू मॉल के फाउंडर जो है वो भी पहुँचते हैं और उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा जो है नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं कहीं कहीं उनको हल्का सा जो है इग्नोर कर देते हैं, और जिससे छवि तो हला बहुत ख़राब नहीं हुआ, लेकिन तब उनका जो है यूपी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी जो है अच्छा रहा है। वहीं पर बताया जा रहा है कि लगभग 24,00,000 करोड़ का जो है उनका इन्वेस्टमेंट होगा उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से लखनऊ में लुल्लू मॉल का व्यवस्था किया गया है उसी तरह से जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट में अन्य जो है हाईटेक एरिया जो भी है उसमें जो है उत्तर प्रदेश में जो हाईटेक एरिया है उसमें जो है इस चीज़ को लगाया जाएगा, जिससे प्रयागराज हो गए, बनारस हो गए, कानपुर हो गए, इन तमाम जगहों पर जो है इस तरह से लुल्लू मॉल का जो है व्यवस्था किया गया, उसका जो पहले से स्ट्रक्चर बना लिया गया है। वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो है तमाम बातें की गई हैं, क्योंकि चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो हमें और आपको एक दूसरे से जोड़ता है, और जोड़ने के बाद से जो है उन जो है विकासों को जो है गति देता है, जिसके माध्यम से हम और आप संचित रूप से जो है इन तमाम कार्यों को जो है कर सकते हैं, और उसके बाद से सुचारू रूप से जो है बने रहते हैं अपने जो भी कार्यकाल होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि उत्तर प्रदेश या कहीं भी हो गया, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो कहीं कहीं वहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आएंगे कभी भी, और उस जगह का जो है कभी भी विकास नहीं हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि इस चीज़ पर अभी सरकार कहीं कहीं बहुत पीछे ही है, हालांकि पहले से कहा जा सकता है कि कुछ सुधार हुआ है, और इन तमाम बातों को जो है यहीं पर सबमिट करते हैं। और ये जो है इस समय काफ़ी जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति जो काफ़ी इसमें चर्चा में था, और इस पर आप लोगों के बीच हमने अपनी राय रखी है, और इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं अब आगे देखिए क्या होता है, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं इस
आप जो है इसमें कमेंट करके बताइएगा। और यूपी ग्लोबल समिति में क्या 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है, इस पर भी आप अपनी सहमति जताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।